अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 11 है। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है लेटर टू सिस्टर थैंकिंग फॉर बर्थडे गिफ्ट। राइट ऑन कॉपी स्टूडेंट्स। थ्री क्लास, ये काम आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक के ऊपर करना है। आपने अपनी बहन को सालगिरह के तोहफे के लिए शुक्रिया का ख़त लिखना है। थ्री क्लास, ये आपको वर्कशीट दिखाई गई है। आपने अपना काम बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह से यहाँ आपको बताया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है लेटर। अब हम लेटर नेम लिखेंगे, लेटर टू सिस्टर थैंकिंग फॉर बर्थडे गिफ्ट। अब हम लेटर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपने राइट साइड पे स्टूडेंट्स से लेटर स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है 271 तोफैल रोड। तोफैल का टी कैपिटल होगा स्टूडेंट्स, और रोड का आर भी कैपिटल होगा। उसके बाद आपने कोमा लगाना है। उसके बाद आप लिखेंगे लाहौर कैंट। लाहौर का एल कैपिटल और कैंट का सी भी कैपिटल। उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने डेट लिखनी है जिस डेट पर हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे कि आज डेट है 8 मई, कोमा 2021। उसके बाद आप लगाएंगे फुल स्टॉप। लेटर स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि यहाँ से हमने ये स्पेस छोड़कर सेंटर से थोड़ा सा आगे स्टार्ट किया है। ये काम हमारा इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने डेट लिखने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन स्किप करनी है। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पर मार्जिन लाइन के साथ आपने डियर सिस्टर लिखना है। उसके बाद सिस्टर के बाद आपने कोमा लगाना है, क्योंकि बात अभी हमारी कंटिन्यू है। डियर का डी कैपिटल और सिस्टर का एस आप स्मॉल लिखेंगे। उसके बाद कोमा के नीचे से आपने नेक्स्ट लाइन में 2 to 3 फिंगर्स का डिस्टेंस छोड़कर सिस्टर के नीचे से आपने स्टार्ट करना है अपना लेटर। अस्सलामुअलैकुम, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑन बर्थडे, बट Your gift of wristwatch is one of the best in all gifts. I really need it. It keeps me regular. इसके बाद full stop. जब स्टूडेंट्स आपने अपना लेटर लिखना स्टार्ट किया था, सिस्टर के नीचे से अस्सलामुअलैकुम लिखा था, यहाँ से 2 to 3 फिंगर डिस्टेंस छोड़ा है। फिर आपने जब लिखा अस्सलामुअलैकुम, आई रिसीव्ड अलॉट, आपके अलॉट तक की लाइन कंप्लीट होगी, उसके आगे आप कोई वर्ड नहीं राइट कर सकते। अब जब आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट किया, तो आपने मार्जिन लाइन के साथ ही स्टार्ट करना था, जिस तरह से यहाँ स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आपने अपना लेटर उसी तरह लिखते जाना है जिस तरह यहाँ लिख कर दिखाया गया है स्टूडेंट्स आपको। रेगुलर के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने 2 फिंगर डिस्टेंस छोड़कर स्टूडेंट्स आगे लिखना है, थैंक यू फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है स्टूडेंट्स। यहाँ लेटर स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपने लिखना है योर्स सिस्टर या ब्रदर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ योर्स सिस्टर निम्रा, योर्स में आपने योर लिखकर कोमा उसके बाद एस लगाना है, और सिस्टर के बाद आपने कोई भी साइन यूज़ नहीं करना। लास्ट में आप अपना नेम लिखेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने योर सिस्टर और अपना नेम लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे आपने नहीं लिखना,
मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आप लिखना स्टार्ट करेंगे। आपका लेटर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। आपको लेटर का पैटर्न बताया गया था, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना लेटर अपनी कॉपीज के ऊपर लिखना है। लेटर का टॉपिक स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। इस काम को आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपीज के ऊपर लिखना और याद करना है। थ्री क्लास हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, जिसका टॉपिक है लेटर टू सिस्टर थैंकिंग फॉर बर्थडे गिफ्ट। ये काम आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी के ऊपर करना है स्टूडेंट्स। आपने अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है स्टूडेंट्स, और इसको याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।